हाई गाइज सो वेलकम बैक टू अर सुपर क्विक रिविजन दिस विल बी वन सिंगल लेक्चर जहां पर वी आर गुन बी डूंग ईच एंड एवरी थिंग वट हैव यू ऑल हैव डन इन थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट इज बॉटल नेक थियरी आप लोग उसको थ्रू पुट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो

कोई मशीन फास्ट है हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था कोई मशीन फास्ट है लेकिन बीच में कोई एक मशीन स्लो है हैव टू बी पासिंग फ्रॉम वन मशीन टू नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ओके लेकिन अगर इस मशीन का कैपेसिटी कम होगा तो अल्टीमेटली पूरी कंपनी का कैपेसिटी कम हो जाएगा दिस मशीन विल बी कॉल्ड एज अ बॉटल नेक मशीन अगर ऐसा होगा तो जरा सोचो गुड्स जो यहाँ से बाहर आएगा वो जल्दी जल्दी बाहर आएगा क्योंकि फर्स्ट वाला मशीन का जो कैपेसिटी है वो अच्छा है लेकिन सेकंड वाला मशीन बहुत स्लो है सो दे फोर गुड्स दैट कम आउट ऑफ मशीन वन हैव टू बी वेटिंग फॉर द चान्स टू गो इन साइड मशीन टू अपार्ट फ्रॉम दैट जो मशीन थ्री है उसका स्पीड अच्छा है लेकिन उसके पास गुड्स ही नहीं आएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइडल ही बैठा रहेगा ऐसे केसेस के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आप लोग मशीन टू ज्यादा आर्ट्स के लिए रन करो वो एक ऑप्शन है उसका मेन्टरेंस वगैरह वो अच्छा करो उसका जो ग्रीजिंग ऑयलिंग है वो अच्छा करो ताकि उसका जो एफिशियंसी है दैट राइजेस ओके वर्ना ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प यू कैन ऑलवेज इन दिस केस ट्राई टू परचेज वन मोन मशीन लाइक दिस अगर बहुत पैसा है तो यू कैन अपग्रेड योर मशीन शू बेडर मशीन्स ओके दिस इज वॉट एवर ज बीन टोल्ड इन योर बॉटल नेक थियरी तो बोटलनेक थियरी के अंदर ट्राइंग टू सच सिचुएशन जहाँ पे कोई ना कोई मशीन अपना जो है वो स्लो है ठीक है तो इसके अंदर मेनली आई एम ट्राइंग टू डू कंसेप्ट वाइज रिविजन और जो भी अपने अच्छे क्वेश्चन रिविजन सो टीओ सी एप्लीकेबल टू कंपनी बाई मशीन तो एक और चीज गुड्स प्रोड्यूस बायीन मटीरियल विल बी दिल्ली वेरिएबल कॉस्ट ओके रेस्ट इन द स्पेस एवरी अदर कॉस्ट दैट इज योअर लेबर अदर फैक्ट्री कॉस्ट ओके okay, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह होता है ऑल पर्टिकुलर कॉस्ट इन इन दिस केस विल बी फिक्स्ड नेचर तो इस चैप्टर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब रीडिफाइन करते हैं तो so, रीडिफाइन मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी सेलिंग प्राइस माइनस मटीरियल कॉस्ट होनी चैप्टर के लिए थ्रूपुट भी बोलते हैं वो मैंने पॉइंट नंबर टू के अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्ट मटीरियल एवरी अदर कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट ओके सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू थ्रूपुट उसको हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट के तौर पर कंप्यूट कर लेंगे वो वाला मशीन बॉटल नेक है ड्यू टू विच द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज हैंड अभी गोल्ड राइट वो वाला बंदा जिसने ये वाला थियरी बनाया था वो क्या बोलता है वी हैव फाइव स्टेप्स टू रिमूव दी बॉटल नेक फर्स्ट आइडेंटिफाई और बोटल नैक जैसे मेरी एक्जाम्पल के अंदर सेकंड मशीन जिसका स्पीड कम था दट इज वी ऑर बोटल फिर उसके बाद सेकेंड एक्सप्लोइड दॉटल ने एक दी बॉटल मतलब उसको बराबर यूज करो उसको मैक्सिमम एफिशियंसी के ऊपर ऑपरेट करने का ट्राई करो ओके okay. एफिशियंसी हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी करेंगे लेकिन अगर सपोज यू वॉन्ट बी नोइंग हाउ टू कंप्यूट द एफिशियो अपने क्वेश्चन के अंदर भी आया था दैर इजर्डर्ड आज फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम टेकन इंटू हंड्रेड ठीक है अगर कोई मशीन का दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल जो मेरा यहां पे जो सैंपल था यहां पे मशीन वन और मशीन टू का कोई सॉरी मशीन वन और मशीन थ्री का कोई दिक्कत नहीं उनका स्पीड बहुत अच्छा है ये मशीन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं दीज आर नॉन बॉटल नेक मशीन बी से कि आप लोग इसका प्रॉब्लम रिजोल्व कर दो पूरी कंपनी का प्रॉब्लम रिजोल्व हो ही जाएगा सो नॉन बॉटल नेक मशीन आज सबॉर्डिनेट ओके फिर उसके बाद एलिवेदी बॉटल नेक तो एलिवेदी बॉटल नेक मतलब इन दिस केस आप लोग मशीन को रिप्लेस करो न्यू मशीन लेकर आओ ओके okay. तो so, उनको हायर कपैसिटी के ऊपर वो करो कुछ ना कुछ पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत है वो वाला काम करो बट एलिवेट दी बॉटल नेक ओके सो एलिनेट दी बॉटल नेक बाय एनहेंसिंग द कपैसिटी एंड एफिशियंसी मेजर चेंजेस अगर बहुत बड़े बड़े चेंजेस वो करने पड़ते हैं एग्जाम्पल नया मशीन लाने का है विद बेटर टेक्नोलॉजी दैट विल बीकॉल इज बिजनेस री इंजीनियरिंग अगर छोटे मोटे वो चेंजेस हैं कोई पार्ट रिप्लेस किया उससे एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कई कॉस्टिंग ओके दैट इन एनी केस अपने को अलग से एक चैप्टर भी है वो आ जाएगा अच्छा याद रखना कोई भी मशीन अगर सपोज बॉटल नेक था आप लोगों ने उसको बॉटल नेक के तौर पे रिमूव कर दिया तो वो वाला मशीन अभी बॉटल नेक नहीं है लेकिन शायद कोई और मशीन अभी बॉटल नेक वो हो जाए अगर ऐसा होएगा तो प्लीज गो बैक टू स्टेप नंबर वन ओके एंड देन ट्राई टू रिपीट द प्रोसेस फॉर द न्यू बॉटल नेक ठीक है अच्छा अगर कभी एक से ज्यादा बॉटल नेक मशीन है देन आइडेंटिफाई द मेन लिमिटिंग फैक्टर अगर सपोज तीन मशीन है तीनों मशीन के आर्ट्स की कमी है तो फिर क्या करने का एज पर दिस थियरी आइडेंटिफाई द मेन बॉटल नेक मेन बॉटल नेक आपको कैसे पता चलेगा आप लोग थ्रूपुट रेशो निकालो थ्रूपुट रेशो कैसे मिल जाता है रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई अवेलेबिलिटी जिसका सबसे ज्यादा थ्रूपुट पुट रेशो होगा इन दिस केस दैट विल बी योर मेन लिमिटिंग फैक्टर और अगर उसके बाद कभी ऐसे पूछा ये मेन लिमिटिंग फैक्टर को बराबर यूज कैसे करने का उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए देन गुड Go back to your chapter uh, number 2, that is of limiting factors. Produce that product first, that gives you highest contribution per hour of that limiting factor. But suppose M2 is your limiting factor, then contribution per hour of M2. Thay? So, if after this, problems ask us to identify the best product mix to be produced in the bottleneck machine, find the contribution per hour of the bottleneck machine. Fir uske 7 throughput accounting ratio. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो को आप लोग थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हो तो अगर सपोज इन दिस केस कब भी अगर पूछ लिया याद रखना यहां पे थ्रूपुट रेशो था जो अलग चीज है ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो है ये अलग चीज है ठीक है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कैसे मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट ओके कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट अभी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है दैट इज वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो एव रिटर्न मोर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू थ्रू पुट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट और तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट बोले तो कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट बोले तो प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट बोले तो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री वर बेसिकली जरा सोचो कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट अज्यूमिंग दैट मिनट्स आर अ लिमिटिंग फैक्टर ठीक है तो अगर मिनट और मिनट को मैं कैंसिल कर देता हूं तो अपने को क्या मिलेगा हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन डू यू गेट पर रुपी ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट अगर ये वाला फिगर एक रुपए से ज्यादा आता है मतलब सपोज योर दिस पर्टिकुलर रेशियो इज रेशन पॉइंट फाइव मतलब आप लोग एक रुपए का फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर आप लोग डेढ़ रुपया कमा रहे हो सो दे इन दैट केस इट इज अ गुड डील इट इज नॉट अ गुड डील सच ठीक है ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट ओके फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट कर ही दिए थे मैं सब क्वेश्चंस Uh, का यहाँ पे रिकैप वो नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के ना सिर्फ थ्योरी था जो मैंने कंसेप्ट के अंदर आई हैव टेकन ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ये वाला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन जहां पर एक कंपनी है जो कैमरास बनाकर इंस्टॉल भी करती है उसको कैमरा बनाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा लेकिन अगर उसका इंस्टॉलेशन का कैपेसिटी वो लिमिटेड है तो कैमरा ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है केसेस के ना पार्ट वन के ना तुम लोगों को क्या पूछ लिया था आइडेंटिफाई द बॉटल नेक सो so, इंस्टॉलेशन वॉज अ बॉटल नेक ओके अगर और इंस्टॉल नहीं कर सकते तो बनाने का क्या यूज है जब तक तो कैमराज बनाकर इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक तो वो बिक नहीं सकते ठीक है तो ये अपना पार्ट वन था ठीक है तो उसके बाद पार्ट टू के अंदर आपने को कुछ एक प्रपोजल दिया था जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन बढ़ सकता है अगर इंस्टॉलेशन बढ़ सकता है वी लाइक टू इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर प्रपोजल क्योंकि उसी का तो पंगा चल रहा है ओके okay. तो इवैल्यूएट करके कुछ प्रॉफिट वगैरह आता हेंस वी ऑल टोल कि आप कर दो पार्ट थ्री के अंदर ना कुछ एक प्रपोजल आए जहां पे ना कैमराज का मैन्युफेक्चरंग कैन इंक्रीज याद रखना कैमराज का मैन्युफेक्चर बढ़ा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंस्टॉलेशन का अपना जो कैपेसिटी है वो तो इतना ही रहने वाला है सो देखो डायरेक्टली हम लोगों ने थर्ड वाला जो प्रपोजल था वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया था ठीक है अकॉर्डिंगली यहां पर हम लोगों ने वो लिखा वी कैन प्रोड्यूस मोर कैमराज बर इंस्टॉल लेस हैं इंस्टॉलेशन इज अ बॉटल लेक उसके बाद इन पार्ट टू दे प्रपोजल टू इंक्रीज द इंस्टॉलेशन का कैपेसिटी सो जस्ट थिंक ऑफ एक्स्ट्रा रेवेन्यू एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट अपना एक्स्ट्रा गेन आया था हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था लास्ट प्रपोजल के अंदर इन दिस केस वी आर थिंकिंग टू इंक्रीज द द प्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल ओनली इज यूजलेस एज इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग तुम लोग कैमराज बनाकर क्या करोगे ओके okay, जब तक इन दिस केस तुम लोग इंस्टॉल नहीं कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद ना यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट वाली चीजें आई थी जो मैंने शुरू में कवर अप वो कर लिया है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट आया था यहां पे ना अपने को ऐसा बोला गया था कि यहां पे थ्री मशीन है मशीन वन टू थ्री हर एक मशीन के थ्रू मशीन हर एक मशीन के थ्रू प्रोडक्ट ए भी पास हो रहा है बी भी पास हो रहा है सी भी पास हो रहा है तो सबसे पहले उन लोगों ने अपने वो क्या बोला कि थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट लेकर ट्राई टू रिमूव द कंस्ट्रेंट अभी कंस्ट्रेंट रिमूव ऑनेस्टली नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अपना कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकता सो वी ट्राई टू बी थिंकिंग जो भी अपने पास आर्स हैं लेट्स ट्राई टू बी यूजिंग बेस्ट हाउ डू यू ट्राई टू यूज देम टू द बेस्ट ओके तो आइडेंटिफाई मेन लिमिटिंग फैक्टर मेन लिमिटिंग फैक्टर कैसे मिल जाएगा जिसका थ्रूपुट रेशो सबसे ज्यादा है तो हम लोगों ने मशीन ए मशीन बी सॉरी मशीन वन मशीन

फाइंड द मशीन फाइंड विच मशीन इज रियल बॉटल ने बाय कैलकुलेटिंग थ्रू पुट रेशो ठीक है सेकेंड इट विल बी मशीन टू देन फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर ऑफ मशीन टू यहां पर आगे लिखने का आए तो फॉर इच प्रोडक्ट ओके टू फाइंड आउट द रैंक्स फाइंड आउट द रैंक्स एंड देन गो फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन नेक्स ठीक है आगे ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है फिर उसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर टेन क्या था इस क्वेश्चन नंबर टेन ना ऑनेस्टली कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट आप लोगों को थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशो भी निकालने का था थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशो एज अ टोल कैसे कंप्यूट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट तुम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए तुम लोग को समझ में आ जाएगा जो प्रोडक्ट का रैंक आता है ना बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट एक्जेक्टली सेम रैंक ही आता है बेस्ड अपॉन थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशो ओके क्योंकि यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट से डिवाइड करते हो आप लोगों ने दो क्वेश्चन के अंदर वो किया हुआ है आ, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट हर प्रोडक्ट के लिए सेम ही होता है तो अगर कोई नंबर यहां पे ज्यादा है वो नंबर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के अंदर भी सबसे ज्यादा ही होगा तो क्वेश्चन तो नंबर टेन के अंदर मैंने यहां पे क्या किया टू इजी अ प्रॉब्लम जस्ट यू रिमेंबर रैंक्स एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो दैट इज थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो ज बी सेम ठीक है यह हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टेन फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर इलेवन आ गया था दिस वॉज काइंड ऑफ एमसी क्यू क्वेश्चन ओके देर वॉज नथिंग नो मेरिट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी सिंपल वन ओके एंड बस यहां पर इतना याद रखना पार्ट ए के अंदर बोल दिया था दैट अज्यूम दैट लेबर इज अट वेरिएबल कॉज सो यूनिट वेरिएबल कॉज तो यहां पर टी ओसी मत अप्लाई करना क्योंकि इन टी ओसी दर इज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंस एवरी कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट मटीरियल कॉस्ट तो यहां पे बोल दिया है कि लेबर इज अट वेरिएबल कॉस्ट ठीक है पार्ट बी के अंदर अभी ऐसा ही बोला है अज्यूम दैट योर लेबर इज अट वेरिएबल कॉस्ट और आप ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मुला फिक्स कॉस्ट अपन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बिकम्स वेरी एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और वेट्स के लिए आप लोग सेल्स मिकस यूनिट्स लेते हो तो हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मुला अप्लाई किया पूरी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट वन वगैरह कुछ आया था फिर उसके ने से देख लिया कि W का शेयर जो है वो कितने का आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद इन दिस केस पार्ट इफ द कंपनी दिसंटिंग थ्रू पुट अकाउंटिंग सो थ्रू अकाउंटिंग के हिसाब से मटेरियल विल बी द ओनली वेरिएबल कॉस्ट और और अपने को पार्ट पार्ट मटीरियल के अंदर बेसिकली क्या करना था कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट ही निकालने का था उसके हिसाब से अपने को रैंक्स वगैरह तो वो देने का था देखो पार्ट ए के ना क्या लिखा हुआ है अज्यूम दैट

easy question except do remember that uh, when it is given that labor is a variable cost do not apply toc for break-even point For one company with more than one product, okay, we have to find out weighted average contribution per unit. Or for that, the weights weights will, will be sales mix in units. ठीक okay? है। Question number 12 was supposed to be a homework section. Okay, not a very tough question. Once you will start to be doing it, tum log ko samajh mein wo aa jayega ki wo bahut easy tha अपना last question in this particular case was question number 13, a relatively new question. अभी इस question के अंदर अपने को क्या करने का था? एक अपने को efficiency ratio ढूंढने का था। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा था एंड दैट वाज़ कि तुम लोग दिन का एट आवर्स काम करते हो एट आवर्स आर एट आवर्स काम करके यहाँ इतना यूनिट्स ऑफ सी हंड्रेड बना सकते हो आ...

तो अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर आज सच ठीक है तो एफिशियंसी रेशियो आ गया था उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला कि कंप्यूट द प्रॉफिट ऑन सच थे तो प्रॉफिट के लिए तुम लोगों को सेल्स चाहिए तुम्हारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस यहां पर है फिर उसका उसके बाद तुम लोगों को कॉस्ट चाहिए उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए और तुमको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तुम्हारे पास वो भी था ठीक है फिर उसके बाद जो तीसरी चीज थी एंड दैट वाज इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोगों को यहाँ पे वो कन्वर्जन कॉस्ट की जरूरत है वो जो कन्वर्जन कॉस्ट है फाइव पर आर था बेटा सो दैट इज वन थिंग दैट यूल हैव टू ट्राई टू टेक केयर एंड कमिंग वर्क फॉर एट आवर्स अड्डे ठीक है वो तुम्हारा पार्ट ए था पार्ट वन था पार्ट टू के अंदर फाइंड प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल कंसिडरिंग रैंकिंग बेस्ड अपॉन थ्रूपोट परफॉर्मेंस रेशियो तो हम लोगों ने फिर यहां पे थ्रूपोट परफॉर्मेंस रेशियो निकालना स्टार्ट किया वो कैसे मिल जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर डे यहां पे मिनट्स के बदले विल ट्राई टू टेक डेज ओवर हियर ठीक है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव फाउंड आउट द बेस्ट थिंग ओवर हियर मैं यहाँ पे एक बार ये वाला चीज वो पढ़ रहा हूं पार्ट वन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशियो फर्स्ट कैल्कुलेट स्टैंडर्ड मिनट्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड देनपेयर टाइम टेकन उसके बाद इन पार्ट टू वी फाइंड आउट थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर दैट प्लीज फाइंड द डेटा फॉर वन होल डे इट विल बी ईजी तो हम लोगों ने सब कुछ एक डे के लिए किया था तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे डिड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर डे डिड करके अपने थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशो या थ्रू पुट परफॉर्मेंस रेशियो मिल गया था और उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस वी है फिर उसके बाद पार्ट थ्री के अंदर उन लोगों ने अपने को यहां पर क्या बोला था दिस वॉज इंपॉर्टेंट एस पर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अप्लाई फाइव गोल्ड रेड फाइव स्टेप्स प्रिंसिपल टू रिमूव द बॉटल नेक तो जो हम लोगों ने यहां पर वो शुरू के अंदर किया ओके okay, ये जो फाइव स्टेप्स थे जो रेड के अंदर वो uh, लिखे हुए एक्जैक्टली exactly यही वाले फाइव स्टेप्स वो बोले लेकिन जब आप लास्ट स्टेप वगैरह वो सॉरी जब आप फोर्थ स्टेप वगैरह तो वो बोलोगे ना फोर्थ स्टेप वगैरह तो सम के समय लिखा हुआ था कि कंपनी का जो बॉटल नेक वाला जो एक्टिविटी है ना उसके लिए उन लोगों ने कुछ एक नया रोबोटिक मशीन तो वो देखा है जिससे द थिंग्स विल बिकम फास्टर तो आपको पॉइंट नंबर फोर जो एलिवेट दॉटल नेक है वहां पर आपको वो वाला पॉइंट जो है वो लिखना पड़ेगा दैट कंपनी कैन थिंक ऑफ रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी बाय अ टोटली न्यू एक्टिविटी दैट विल ऑल्सो मोन टू वैसे बिजनेस री इंजीनियरिंग इट इज टोटली अ न्यू वे

The notes will also be there okay so this will help you to revise the things quite fast I'll see you all next time please bye